वरदान। एक गांव में एक किसान और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों खेती का काम करते हुए बहुत मेहनत करते थे, पर इतनी मेहनत करने पर भी गरीबी थे। एक दिन खेती करते समय एक पत्थर से हल लगकर टूट गया। तब उस पत्थर में बंदी रहने वाली एक देवी पाप से विमुक्त हुई। कई सालों से पत्थर में बंदी रहने वाली देवी को विमुक्ति मिलने से धन्यवाद करते हुए किसान और उसकी पत्नी को 3 वरदानों का प्रसाद दिया। तुरंत ही पत्नी ने किसान से कहा, अरे पैसे पूछेंगे, पैसे पैसे है तो सब वही ठीक होगा, बोली पत्नी। तब किसान ने कहा, नहीं, अचानक उतने पैसे आएंगे तो चोर आकर चुरा ले जाएंगे, हमें ध्यान से सोच के बताना पड़ेगा। इससे देवी ने भी उसे एक दिन का मोहलत दिया। उसके अगले दिन ही इच्छा मांग ले करके बोल कर गायब हो गई। दूसरे दिन भोजन के लिए बैठकर पत्नी ने कहा, पैसे ही पूछना था, आज के दिन अच्छे से तंदूरी चिकन खाए तो कितना अच्छा था, बोलते हुए पत्नी ने खाने की इच्छा जताया। तभी उनकी थाली तंदूरी चिकन से भर गई। किसान गुस्से से बोला, बेकार में एक वरदान को नष्ट कर दिया तूने, अब उस तंदूरी चिकन को अपने नाक में घुसा ले, बोलकर किसान ने अपनी पत्नी को डांटा। उसके तुरंत तंदूरी चिकन उसके नाक में घुस गई। दोनों डर गए। जब से नाक से तंदूरी चिकन निकल जाए करके इच्छा मांगा, इससे चिकन नाक से गायब हो गया। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे जो मुंह में आया वो बोलकर 3 वरदानों को अच्छे से प्रयोग ना करते हुए अपने हाथों से नष्ट कर लिया। उसके बाद अब ऐसे माथा टेकने से क्या फायदा। गधे की परछाई। सिरीपुरम नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामैया नामक एक गरीब रहता था। उसके पास एक गधा भी था। उस गधे को भाड़े में देके मिले हुए पैसों से ही गुजारा करता था। एक दिन सोमैया नामक व्यक्ति आकर उसके सफर के लिए गधे को भाड़े में लिया। बाद में सोमैया गधे के ऊपर और रामैया गधे के पीछे चल पड़े। सूरज सर के ऊपर आके बहुत धूप हो रही थी, इससे उन लोगों ने सफर रोककर एक जगह आराम करने लगे। गधे की परछाई में सोमैया सो गया और रामैया धूप में ही था। क्योंकि गधे की परछाई दोनों लोगों के लिए काफी नहीं होती, तो अब सोमैया गधे के परछाई में बहुत जल्दी सो गया। तब रामैया उसके गधे को थोड़ा बाजू में लेके उसके परछाई में सो गया। भारी धूप की गर्मी से सोमैया उठ के देखा तो गधा बहुत दूर था। उसके परछाई में रामैया आराम से सो रहा था। यह देख सोमैया को बहुत गुस्सा आया और वो रामैया को उठाकर झगड़ा करने लगा और वह झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। मैंने मेरे गधे को भाड़े में दिया, पर उसकी परछाई को तुम्हें भाड़े में नहीं दिया। उस बात पे झगड़ा और बड़ा होकर मारपीट तक चली गई। यह सब देखने वाली गधा वह भार ना उठा पाते हुए बाजू में फेंककर वहाँ से चला गया। भेड़ की लड़ाई और मुर्गी की होशियारी। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक भेड़ और एक मुर्गी थे। उन्हें किसान बहुत ही ध्यान से पालता था। वे अच्छे से खाकर पुष्ट थे। एक दिन और थोड़े भेड़ और मुर्गी के बच्चों को घर ले आया किसान। वे सब चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे तो मुर्गी ने भेड़ से कहा, अब तो तेरा काम हो गया रे, कल या परसों तुम्हें मेले में बलि चढ़ा देंगे। तब भेड़ ने हंसते हुए जवाब दिया कि, अरे मेरी पगली, घर में ज्यादा मेहमान के आने पर ही मेरी जरूरत पड़ती है। कल इस घर के दामाद आ रहे हैं, मुझे अभी पता चला, अब से तेरी कुकड़कू को खत्म। तब मुर्गी पूछी, ऐसा क्या? तब भेड़ ने कहा, हाँ रे, फिर 2-3 लोग आएंगे तो तुम्हारे ही काम होगा ना, मेरी जरूरत इतनी जल्दी भी नहीं होती। तब मुर्गी ने भेड़ से कहा, अच्छा तुम मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता बोलना, करके पूछी। तो भेड़ ने कहा,
कुछ नहीं, कल तू ना बेहोश होने की नाटक कर तो तुझे कुछ हुआ है करके तुम्हें ना काटते हुए तेरे मुंह में दवा डाल देंगे। उसके अगले दिन ही किसान के उसे पकड़ते ही चाल के अनुसार ही मुर्गी ने बेहोश होने का नाटक किया। उसे देखते ही किसान अरे इसे नहीं काटना चाहिए करके सोचकर बाजार जाके एक और मुर्गी को ले आया। यह सब देख मुर्गी हाँ, मुसीबत टली करके सोचकर चैन की सांस ली। उस वर्ष खेत के अच्छे से उगने पर दावत रखने का किसान ने सोचा और उस दावत में भेड़ की बलि देकर सबको खाना खिलाने का निर्णय किया। यह बात पर मुर्गी ने ध्यान दिया। तब मुर्गी ने भेड़ के पास जाकर कहा हमारा किसान दावत रखने की सोच रहा है, अब से तेरी चिक चिक नहीं होगी, हर रोज चिल्ला चिल्ला कर मुझे परेशान ही कर रहा है। तब भेड़ ने कहा फिकर मत कर, तेरी आवाज भी कम होगी, एक ही बार में मेरी लड़ाई और तेरी होशियारी दोनों ही खत्म होंगे। दावत के लिए किसान मुहूर्त निकाल कर दोनों को मेहमानों के साथ ले जा रहा था। भेड़ के गले में माला डालकर तिलक लगाया और रस्सी बांधकर ले जा रहा था। उनमें से एक ने मुर्गी को अच्छे से अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा रहा था। बेचारे वे दोनों ही परेशान होकर हमारा काम खत्म करके सोचते हुए दुखी हो रहे थे। इतने में ही मुर्गी के दिमाग में एक अच्छी चाल आई और उसने भेड़ से धीरे से कहा कि मैं मौका देख के मुझे पकड़ने वाले पर अपनी चोंच से जोर से घायल करूंगा और उस गांव से वो मुझे छोड़ देगा, तब तुरंत तुझे ले जाने वाले पर चढ़ के फिर से अपनी चोंच से हमला करूंगा, उसके गांव से तेरा भी लस्सी वो छोड़ देगा, तो तुम बिना देर किए जल्दी से भागो और मैं तुरंत उड़कर तेरे ऊपर बैठूंगी। और मौका देख के अचानक जोर से मुर्गी ने हमला किया, उस गांव से चिल्लाकर इसने उसे छोड़ दिया। तुरंत बिना देर किए भेड़ को ले जाने वाले के पीठ पे भी जोर से हमला किया और उसने भी चिल्लाते हुए रस्सी को छोड़ दी और तुरंत मुर्गी भेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। वे दोनों कहीं दूर जाके अपने प्राणों को बचाकर बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगे। आलसी गधा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी सब तरह के सामान बेचता था। बाजार में कम दाम में खरीदने वाले सामानों को गांव में जाकर घर घर बेचता था। उन सामानों को उठाने के लिए उसके पास एक गधा था। सामानों को पोटली में बांधकर उस गधे के पीठ पर रख के बाजार से गांव तक और गांव से उसके घर तक घुमाया करता था। पूरा दिन भारी सामानों को उठाने से बेचारा गधा थक जाता था। एक दिन व्यापारी ने बाजार में नमक खरीदा, वो तो पहले से ज्यादा भारी था। गधा उस भारी पोटली को उठाते हुए व्यापारी के पीछे आ रही थी। उस दोपहर में बहुत धूप थी, गधा और ज्यादा थक गया और उसे प्यास होने लगी। उतने में एक तालाब आया, गधा तुरंत उस तालाब के पास गया। उस तालाब में फिसल कर गधा नमक के बोरियों के साथ गिर पड़ा और वह पानी में डूब जाने के डर से हाथ पैर हिलाने लगा, लेकिन वह अनजाने में तैरने लगा और उसके पीठ का भारी सामान हल्का होने लगा। फिर गधे ने तुरंत किनारे पर आके पानी को सुखा लिया। गधे ने ध्यान दिया कि उसके पीठ का भारी बोरी हल्की हो गई और उसके पीठ को आराम मिला। उस रात गधा सोचने लगा कि ऐसा चमत्कार कैसा हुआ, लेकिन उस बेचारे गधे को क्या पता कि पानी में नमक घुल जाता है। अगली बार अगर बोरियां भारी होंगे तो इस तालाब में कूदने का निर्णय लिया। अगले दिन व्यापारी ने कपड़े खरीदे, तब व्यापारी ने सोचा कल मेरी कमाई अच्छी नहीं हुई, आज ढेर सारा लाभ उठाना ही पड़ेगा। सोचते हुए पहले से भी ज्यादा सामान खरीदा
और उस सामान को गधे के पीठ पर रखा। फिर से गधे को पैर और पीठ ज्यादा दर्द होने लगे और वह तुरंत तालाब के पास जाकर पानी पीने का नाटक करते हुए पानी में कूद गई और पूरी पोटली भिगाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन हल्का ना होकर और ज्यादा भारी हो गया। और गधे को तो पता भी नहीं था कि वो नमक नहीं बल्कि खपड़े थे। अब पोटली भारी होने के वजह से गधा डूबने लगा। तभी व्यापारी ने तालाब में कूद कर गधे को बाहर निकाला। उस रात गधे को बहुत दुख हुआ, साथ ही पहले से ज्यादा पैर और पीठ दर्द होने लगे और भीगे कपड़ों को उठाने के वजह से जुकाम भी हो गया। तब गधे को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सोचा कि अब कभी भी अपने काम से बचने के लिए गलत रास्तों का प्रयोग नहीं करेगा।